एक्सरसाइज 6.2 टेंथ क्लास का जो ट्रायंगल चैप्टर था उस पे क्वेश्चन नंबर 7 पे हम थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे मैंने एक वीडियो एंड किया था, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बता रहा है प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। पहली बात मिड पॉइंट यानी बीच सेंटर वाले पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की गई हो, ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक साइड ट्रायंगल के पैरेलल टू अनदर साइड, वो दूसरे साइड के पैरेलल है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, आप बोलो कि वो तीसरे साइड को काटता है, ऐसे बनानी है। ये मान लो कोई ट्रायंगल है, अगर हम इस पॉइंट के मिड पॉइंट से, इस लाइन के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा करेंगे, इसके मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रा की, अब बताना है ये इस साइड को दो हिस्सों में बराबर डिवाइड करता है, ये लाइन इस साइड को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करती है। अब हम ट्रायंगल बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं ट्रायंगल ए बी सी डी ई। डी कोई पॉइंट है मिड पॉइंट जहां से हमने ये लाइन स्टार्ट ड्रा करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। अब जो ये लाइन हमने मिड पॉइंट में से ड्रा की थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता है। पहले गिवन लिखते हैं, हमारे पास दिया हुआ क्या है, नया क्वेश्चन आया है, क्योंकि अगर आप पुराना मैथ देखोगे उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, जो ये क्वेश्चन है गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी डी हुई है, यही है। डी जो है, डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी मिड पॉइंट किसका है, ए बी का। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ई जो है वो भी मिड पॉइंट एसी का है कि नहीं है। उससे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के, ये वहीं से बना है पैरेलल टू अनदर साइड, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल, ठीक है। अब जो ए सी है, टू प्रूव ए सी दो हिस्सों में डिवाइड होता है कि नहीं होता है, सिंस हमें पता है डी ई पैरेलल बी सी के, टू प्रूव, अब प्रूव लिखेंगे हम पहले, बाद में सिंस पे आते हैं। टू प्रूव ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई मिड पॉइंट ए सी का है कि नहीं है, सो हम लिखते हैं प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करते हैं, ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल्स ए ई डिवाइड बाई ई सी, यही आ जाएगा, ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल्स ए ई डिवाइड बाई ई सी। अब पता है डी क्या है, मिड पॉइंट है, जब डी मिड पॉइंट है तो ये वाला साइड, ये वाला, ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर होगा, इक्वल होगा, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे ए डी किसके बराबर होगा, डी बी के बराबर, बिकॉज क्यों, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी मिड पॉइंट किसका है, ए बी का, क्योंकि डी ए बी को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है, तो ए डी डिवाइड बाई डी बी, डी बी की जगह क्या लिखते हैं, ए डी, तो ये बन जाएगा ए डी डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी, AD, तो यहां पे 1 बचा, 1 इज इक्वल टू AD डिवाइड बाई EC, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई कीजिए, EC 1000, EC इज इक्वल टू AD, EC किसके बराबर निकला, AE के बराबर, तो E किसका मिड पॉइंट बन गया, AC का, हेंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर आपको समझ नहीं आएगा मैं फिर से आपको रिपीट करके बताता हूं कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन हमें क्या बताता है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर हम किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन अगले साइड को पैरेलल होगी, तो आप बताओ जो तीसरे साइड को वो टच कर रही है वहां पे भी वो मिड पॉइंट पे ही टच कर रही है, यानी उस लाइन को भी वो बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो हमने क्या किया, पहले हमने पहले एक ट्रायंगल ड्रा की एबीसी, लिख लिया गिवन ट्रायंगल एबीसी जिसमें डी मिड पॉइंट है लेकिन किसका, एबी का, डी मिड पॉइंट है एबी का, तो डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के, ये भी वहीं से दिया हुआ है, सो हमें क्या प्रूव करना है कि ई जो है वो मिड पॉइंट एसी का है कि नहीं है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, क्या ई मिड पॉइंट एसी का है, तो हमने ट्रायंगल एबीसी को फिर से लिया, इसमें क्या कहा डी ई पैरेलल बी सी के है, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यहां पे यूज करते हैं, जो ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज किया तो क्या आया, ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल्स ए ई डिवाइड बाई ई सी, बट जो डी है ये मिड पॉइंट है किसका, एडी का, सो एडी किसके बराबर होगा, डीबी के बराबर, तो हमने लिखा एडी डीबी के बराबर है, जहां पे डीबी है वहां पे एडी लिखा, या जहां पे एडी है वहां पे डीबी लिख सकते हैं, तो
तो एडी एडी कैंसिल हो जाएगा, वन बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होगा, वन खुद ही होता है। वन इंटू ए इज आर ए, वन इंटू ईसी इज आर ईसी, ईसी किसके बराबर निकला ए के, सो ईसी इक्वल टू ए, हेंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई मिड पॉइंट किसका है ए। अब क्वेश्चन नंबर एट एनसीआर जो आपकी बुक है उसका क्वेश्चन नंबर एट आप उठाते हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इनवर्स ऑफ बीपीटी पे है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का जो इनवर्स है उसी पे ये थ्योरम है। देखो क्या है, एक ट्रायंगल दी हुई है हमारे पास, सपोज एबीसी मान लेते हैं ट्रायंगल को, क्वेश्चन मैं नहीं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर लिखता हूं एट। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर कोई लाइन दो साइड्स ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, सपोज ये डी लाइन एक मान लेते हैं, डी मिड पॉइंट ए बी का मान लेते हैं और ई मिड पॉइंट ए सी का मान लेते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है या नहीं है। पहले क्यों लिखते हैं, हमें दिया हुआ क्या है, अब आप खुद भी लिख सकते हो, ए ट्रायंगल ए बी सी, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच, जिसमें डी क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। टू प्रूव, प्रूव हमें क्या करना है, जो हमें प्रूफ करना है वो हमें करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के या नहीं, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी के है। मैं फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ा के सुनाता हूं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड बाय यूजिंग थ्योरम 6.2, वहां पे लिखा हुआ है। सो हम पहले लिख सकते हैं प्रूफ में, डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी जब मिड पॉइंट ऑफ ए बी का है तो एडी किसके बराबर होगा, डी बी के, सॉरी एडी इक्वल्स डी बी। सिमिलरली ई किसका मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो ए ई किसके बराबर होगा, ई सी के बराबर होगा, दोनों आगे। सो हम लिख सकते हैं ना एडी डिवाइड बाई डी बी इक्वल्स वन, ए ई डिवाइड बाई ई सी इक्वल्स वन, क्यों, एडी डी बी के ही बराबर है, ये ऐसे बन जाएगा, या मैं आपको ऐसे समझाता हूं, एडी डी बी के बराबर है। सो हम लिख सकते हैं एडी डिवाइड बाई डी बी इक्वल्स वन, और ऐसे ही लिख सकते हैं ए ई डिवाइड बाई ई सी इक्वल्स वन, ए ई सी भी वन के बराबर है, क्यों, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एडी अपनी जगह रहेगा, डीबी वन जार डीबी को एडी डीबी के बराबर आ गया, और ए अपनी जगह रहेगा ईसी वन जार ईसी, सो ईसी ए किसके बराबर आ गया, ईसी के बराबर। सो हम कंपेयर करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको भी और इसको भी, वन और वन क्या हो जाएगा कैंसल, इसका नाम सपोज फर्स्ट रखते हैं, इसका नाम सपोज सेकंड रखते हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, दोनों वन और वन कैंसल हो जाएगा, एडी डिवाइड बाई डी बी इक्वल्स ए डिवाइड बाई ई सी। अब इस पे ध्यान दे दें, ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल्स ए डी डिवाइड बाई ई सी, हेंस बाय थ्योरम जो इसने यहां से कहा है 6.2 डी ई पैरेलल बी सी, डी किसके पैरेलल आ गया, बी सी के पैरेलल आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं, इंपॉर्टेंट है आप दोनों क्वेश्चन, अगर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी और क्वेश्चन नंबर 10 भी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो क्वेश्चन है पूरी इस एक्सरसाइज में, 6.2 की जो एक्सरसाइज है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इन्हीं दो क्वेश्चन को हम उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ही उठाते हैं, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है ए बी सी डी, आगे बताता है इन विच ए बी पैरेलल डी सी, ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल। अब हमें प्रूव एंड इट इज डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, पॉइंट ओ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल
ये मान लेते हैं कोई ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, कोई भी ट्रेपेजियम ले लो ए बी सी डी। इस ट्रेपेजियम में क्या है, जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल डी सी। अब इसके डायगोनल जो है, डायगोनल यहां से यहां तक डालते हैं, वो मीट करते हैं पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ पे वो मिल जाते हैं। सो अब हमें बताना है, शो दैट ए ओ डिवाइड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ। ए ओ डिवाइड बाई बी ओ किसके बराबर है, सी ओ डिवाइड बाई डी ओ के बराबर है या नहीं है। तो हम पहले लिखते हैं, दिया हुआ क्या है, गिवन ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच, जिसमें डी सी ए बी के पैरेलल है या ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल डी सी, यहां तक समझ आ गया। अब इसके डायगोनल्स ऑल्सो इट इज डायगोनल्स मीट एट पॉइंट ओ, ऑल्सो इट इज डायगोनल्स मीट एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पे जाके डायगोनल्स मिलते हैं। अब टू प्रूव, प्रूव हमें क्या करना है, AO डिवाइड बाई BO इक्वल CO डिवाइड बाई DO, ये हमें प्रूव करना है। AO डिवाइड बाई BO इक्वल CO डिवाइड बाई DO। अब देखें, देखते हैं हम क्या करते हैं, पहले प्रूफ से पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कोई लाइन है सपोज EO जो हम DC के पैरेलल ड्रा करेंगे, या अगर आप इतनी छोटी लाइन नहीं डालोगे तो फुल लाइन डालो EF, कोई बात नहीं, छोटी रहे बड़ी रहे लाइन तो लाइन ही होती है। देखो ईओ पैरेलल मानते हैं डीसी की, यहां पे दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे, ये एक ट्रायंगल बन गई और ये दूसरी ट्रायंगल बन गई, कॉमन बेस पे लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स। देखो पहले क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रा ईओ पैरेलल डीसी एंड ए बी, ये डी सी के पैरेलल भी है और ए बी के पैरेलल भी है, दोनों के पैरेलल है। सो हम प्रूफ में आते हैं, प्रूफ पर, प्रूफ में पहली ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ई ओ पैरेलल ए बी, ई ओ पैरेलल ए बी यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे यूज करते हैं, तो क्या बन जाएगा ए ई डिवाइड बाई ई डी, ए ई डिवाइड बाई ई डी इक्वल्स बी ओ डिवाइड बाई डी ओ या ओ डी, बी ओ डिवाइड बाई डी ओ, इसका नाम हम फर्स्ट रखते हैं। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब दूसरी ट्राइंगल लेते हैं ए डी सी, ए डी सी जो EO है वो पैरेलल है DC की, EO पैरेलल DC यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फिर से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आएगा मैं ट्रायंगल बाहर निकाल के दिखाता हूं, ऐसे ये मान लो A है यहां पे, ये D है और ये C है, ये EO पैरेलल है DC के, अब आ गया ना AE डिवाइड बाय ED इक्वल्स AO डिवाइड बाय CO, AE डिवाइड बाई ई डी इक्वल्स ए ओ डिवाइड बाई सी ओ, इसका नाम हम सेकेंड रखते हैं। अब कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकेंड, नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखो अब क्या आ जाएगा, ए डी कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा बी ओ डिवाइड बाई डी ओ इक्वल्स ए ओ डिवाइड बाई सी ओ, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ डिवाइड बाई सी ओ इक्वल्स बी ओ डिवाइड बाई डी ओ, पहले मैंने इसको लिखा उस वाले साइड को यहां पे, सो अब एक्सचेंज करते हैं, सी ओ को यहां लेते हैं बी ओ को यहां ले आते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू भी हो जाएगा, हम डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं, ये बन जाएगा ए ओ डिवाइड बाई बी ओ इक्वल्स सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, हेंस प्रूव, ये हमारा प्रूफ आ गया। सो यहां तक आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक बार उसको ट्राई भी कर लोगे तो घर पे कर लेना ट्राई उसको,
सो हम आगे भी उसको कर लेंगे, लेकिन प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए, क्योंकि ये पैंडेमिक का टाइम है, इस टाइम लॉकडाउन है, सो हमारे पास कोई सोर्स नहीं है उतनी बड़ी जहाँ पे हम पढ़ने जा सकते हैं, सो आप चैनल को ही सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल ऑफ ऑल गाइस हु हैव आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोस हु हैव सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग इट एंड थैंक यू वेरी वेरी मच.